नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही राज्यों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार और केंद्र में अपने गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जेडीयू ने सिंबल देने आरम्भ कर दिए हैं। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल चुनाव में जेडीयू ने अब तक 45 तथा असम में 50 उम्मीदवारों को अपने सिंबल दिए हैं। इन राज्यों में जेडीयू बिना किसी दल के साथ समझौता के अपने दम पर चुनाव मैदान में है। पश्चिम बंगाल में जेडीयू के प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी नियमित रूप से वहां कैंप कर रहे हैं। आधिकारिक तौर यह बताया गया है कि चौथे चरण से आखिरी चरण तक जेडीयू के प्रत्याशी मैदान में दिखेंगे। पहले चरण में 5 प्रत्याशियों को पार्टी के सिंबल जरूर दिए गए थे, पर उनमें 4 के नामांकन रद्द हो गए हैं। नामांकन पत्र भरने में त्रुटि की वजह से यह हो गया। इसके बाद से पार्टी दफ्तर में प्रत्याशियों के नामांकन पत्र को तरीके से भरने का सिलसिला शुरू हुआ। दूसरे और तीसरे चरण में जेडीयू के लगभग आधा दर्जन उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चौथे चरण से यह संख्या बढ़ जाएगी। जिन 45 लोगों को पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने सिंबल दिए हैं, उनमें कई बिहार और पूर्वांचल मूल के हैं। इन 45 के अलावा कई अन्य लोगों को भी सिंबल दिया जा सकता है। अभी यह तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में जेडीयू प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में जाएंगे या नहीं, पर जेडीयू के सांसद और बिहार के मंत्रियों की पश्चिम बंगाल और असम चुनाव में सक्रियता बढ़ेगी। नियमित रूप इन्हें चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल गुलाम रसूल बलियावी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रविंद्र सिंह पश्चिम बंगाल में कैंप कर रहे हैं। असम के विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अब तक 50 उम्मीदवारों को अपना सिंबल दिया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार वहां लगातार जा रहे हैं। जेडीयू ने तिनसुकिया, सिलचर, नवगांव और गुवाहाटी इलाके में अपने को केंद्रित किया हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहां बिहार सहित पूर्वांचल के मतदाता निर्णय की हैसियत में हैं। स्थानीय स्तर पर सक्रिय नेताओं को पार्टी ने अपना सिंबल दिया है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आरएडी न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।